इंडियन बाइक के न्यू अपडेट के कुछ ऐसे सीक्रेट और खुफिया चीट कोड जो कि काफी कम लोगों को पता है। चलो जानते हैं गाइस नॉर्मल एंड आरजेस टूल के सीक्रेट चीट कोड। तो भाई सबसे पहले आज का दिन जो सीक्रेट चीट कोड आए हैं न्यू अपडेट के अंदर, सबसे पहले मैं आपको वही दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आरजेस टूल दिखाने वाला हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अगर आप यहाँ पर मोबाइल में जाकर 3005 डायल करते हो तो आपको देखने को मिलेगी निसान GTR। याद रखो गाइस मैं आपको सारे चीट कोड बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 1210 डायल करते हो तो एक न्यू KTM देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 1190 डायल करते हो तो एक और न्यू KTM देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 400 डायल करते हो तो भाई यहाँ पर आपको एक न्यू ZX10R देखने को मिलेगी। अब ये जो बाइक है मैंने आपको दिखाई ना, सारी की सारी एकदम मॉडिफाइड बाइक है पुरानी वाली से, ठीक है, रिप्लेस हो चुकी है। तो गाइज ऐसा मत समझना कि मैं आपको पुरानी बाइक्स दिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी गाड़ियां एकदम नई है। और गाइज निसान GTR तो आप सभी की फेवरेट होगी ना, ये देखो कितनी ज्यादा कूल है ये। तो गाइज ये थे न्यू अपडेट के नंबर्स वाले चीट कोड। अब बात करते हैं गाइज आरजेस टूल की और काफी सारे सीक्रेट चीट कोड्स की। तो गाइज आप सभी को पता है न्यू अपडेट के अंदर आज के दिन ये न्यू कंस्ट्रक्शन एरिया आ चुका है जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। इसी के साथ में गाइज एक न्यू आरजेस टूल का सीक्रेट चीट कोड भी आया है, वो भी आपको पटाख से बताता हूँ। और उसके बाद मैं लगातार सारे के सारे आरजेस टूल के सीक्रेट चीट कोड, उसके बाद मोबाइल के डायलर चीट कोड भी बताऊंगा। तो गाइज सबसे पहले आपको आरजेस टूल के अंदर जाना है और यहाँ पर टाइप करना है HELICOPTER हेलीकॉप्टर, ये आपको टाइप कर देना है आरजेस टूल में जाके। उसके बाद जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे ना, थोड़ी देर आपको वेट करना होगा, ठीक है। अब यार ये वाला चीट कोड काम कर रहा है, उससे पहले यहाँ पर मैं एक और हेलीकॉप्टर टाइप कर लेता हूँ, 2-3 बार करूंगा, उसके बाद देखना गाइस क्या होता है। तो गाइस मैंने 3 बार आरजेस टूल के अंदर हेलीकॉप्टर टाइप किया। अब देखो गाइस सामने की तरफ आपको हेलीकॉप्टर उठते हुए दिखाई दे रहे होंगे और टोटल गाइस 3 हेलीकॉप्टर आ चुके हैं। मैंने 3 बार हेलीकॉप्टर टाइप करा था, 3 हेलीकॉप्टर मुझे सामने की तरफ देखने को मिल चुके हैं। यार मुझे तो लगा था ये मेरे सर के आसपास ऊपर की तरफ उड़ेंगे, लेकिन हमेशा ये सिटी की तरफ ही उड़ रहे हैं यार, काफी ज्यादा दूर है। तो गाइस ये था अपना पहला आरजेस टूल का सीक्रेट चीट कोड। अब बाकी के चीट कोड भी बताता हूँ आपको। सामने एक वहां पर कंटेनर वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा, उस पर फोकस करना, ठीक है। तो यहाँ पर आरजेस टूल में चलते हैं और यहाँ पे मैं लिखूंगा ROLL रोल, उसके बाद ऑन लिखूंगा ON रोल ऑन लिखूंगा। तो भाई ये देखो ये कंटेनर जो है ना, ये रैंप ऑटोमेटिकली घूमने लग जाएगा। और अगर आपको इसको ऑफ करना है तो आपको फिर से आरजेस टूल में लिखना होगा ROLL और OFF रोल ऑफ। तो यहाँ पर जिस पोजीशन में आप इसको ऑफ करोगे उसी पोजीशन में ये ऑफ हो जाएगा। अब बात करते हैं गाइस आरजेस टूल के तीसरे सीक्रेट चीट कोड की। तो आप अपने हाउस का कलर चेंज कर सकते हो। तो गाइस आपको जाना है आरजेस टूल में और यहाँ पर लिखना है HOUSE, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही टाइप करना है। फिर टाइप करना है यहाँ पर COLOR कलर, हाउस कलर लिखना है। उसके बाद कोई भी कलर आपको डाल देना है, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैं डालता हूँ ग्रीन, और आप राइट करोगे ना तो भाई ये ग्रीन कलर हो जाएगा अपना पूरा हाउस, ठीक है। इसी तरीके से आप और कलर डाल सकते हो, कलर के नाम आपको बताता हूँ, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रे, व्हाइट, ये जितने भी कलर अभी मैंने आपको बोल के दिखाई आप टाइप करते हो तो भाई सारे कलर अप्लाई होने वाले हैं। इसके अलावा एक सीक्रेट कलर भी बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर टाइप करते हो हाउस कलर, उसके बाद आपको टाइप करना है RGB हाउस कलर RGB, तो भाई आपका जो हाउस है पूरा RGB हो जाएगा। तो काफी खतरनाक है यार ये। और गाइस जो RGB कलर होता है ना, एक बार लगने के बाद हटता नहीं है, तो इसके लिए आपको ना सिंपली गेम को बैक कर देना है, और जैसे आप बाहर जाओगे ना तो यहाँ पर RGB कलर हट जाएगा। जो नॉर्मल कलर आपने लगाया था ना लाइक ग्रीन, वही आपको दिखने वाला है बस। और अगर आप यहाँ पर घर का कलर नॉर्मल करना चाहते हो तो आपको टाइप करना है हाउस कलर व्हाइट। जैसे आप ये कलर टाइप करोगे और अप्लाई करोगे तो भाई आपका जो घर है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा जो फोन का बैक कवर है ना, उसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको टाइप करना होगा PHONE फोन, फिर आपको टाइप करना होगा COLOR फोन कलर, और इसके बाद स्पेस देके कलर का नाम भी डालना है, लाइक मैंने डाला है ग्रीन, ठीक है। और ये देखो फोन का जो बैक कवर है वो ग्रीन हो चुका है। अब कवर के टोटल कलर के नाम बताता हूँ, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रे, पिंक, व्हाइट, टोटल आप 7 कलर कर सकते हो फोन के बैक कवर को, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और कलर आपको दिखा देता हूँ, लाइक यहाँ पर मैंने लिखा ब्लू, ये देखो फोन का जो बैक कवर है वो ब्लू कलर का हो गया। इसके अलावा मैं आपको एक और सीक्रेट चीट कोड बताता हूँ जो कि काफी कम लोगों को पता है। तो आपको आरजेस टूल में लिखना है FANON फैन ऑन लिखोगे तो भाई पंखा चालू हो जाएगा, और अगर आपको इसको ऑफ करना है तो आपको फिर से टाइप करना होगा फैन ऑफ, ठीक है, FANOFF फैन ऑफ लिखोगे तो यहाँ पर पंखा ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको लैंप चालू करना है ना, सामने जो लैंप पड़ा है, तो उसके लिए आपको सिंपली डायलर में जाना है और यहाँ पर 9 टाइप कर देना, ठीक है। डायल करोगे तो यहाँ पर ये नाइट होगी और ये लैंप ऑटोमेटिकली जल जाएंगे, यहाँ पर कोई बटन वगैरह नहीं होता है, ये देखो ये 3 लैंप ऑटोमेटिकली जल जाते हैं। और अगर आप इन लैंप को ऑफ करना चाहते हो तो आपको फिर से 9 डायल कर देना, दिन हो जाएगा और ये लैंप ऑफ हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप फोन और बटन को हाइड करना चाहते हो तो आपको आरजेस टूल में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है UI OFF, ठीक है। UI ऑफ टाइप करोगे और राइट करोगे तो यहाँ पर देखो बटन की जो ट्रांसपेरेंसी थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी,
इसके अलावा गाइस अगर आप वापस से इसको लाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर लिखना होगा यू आई ऑन, आरजे स्टोर में लिखोगे और यहाँ पर सारे बटन्स वापस आ जाएंगे। इसके अलावा गाइस अगर आप गेम को कहीं पर भी लोड करना चाहते हो ना तो आपको आरजे स्टोर में जाना है। और देखो यहाँ पर अभी मैं बाहर खड़ा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा एस ए वी ई, आरजे स्टोर में लिखा एस ए वी ई, उसके बाद गाइस गेम को बैक कर दिया। अब गाइस वापस से यहाँ पर मैं फ़ोन ओपन करता हूँ और आरजे स्टोर में जाके यहाँ पर लिखता हूँ एल ओ ए डी लोड। तो देखना गाइस जहाँ पर मैंने गेम को सेव किया था वहीं पर मैं दोबारा से स्पॉन हो जाऊँगा। तो ऐसे में आप कहीं पर भी अपने कैरेक्टर को सेव कर सकते हो और उसी पोजीशन को आप वापस से लोड भी कर सकते हो। अब गाइस बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट चीट कोड, आपको आरजे स्टोर में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है जे ई टी जेट। ये आप टाइप करोगे ना और राइट करोगे तो थोड़ी देर बाद है ना आपको थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा, तो आपको थोड़ी देर बाद हवा में एक है ना जेट उड़ता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं अभी यहाँ पर आया है या फिर नहीं, कहीं तो होगा ना, आजा भाई आजा, कहीं पर तो आया, वो रहा देखो गाइस, वो रहा वहाँ पर। और कभी कभी है ना नीचे ज़मीन पे जाके टकरा के फट जाता है, लेकिन इस बार इसने टर्न ले लिया यार, देखो कितना ज़्यादा बड़ा है। इसके अलावा गाइस आप है ना जितना मर्जी उतना जेट को बुला सकते हो, लाइक आपको बार बार टाइप करना है जेट जेट जेट। देखो मैं आपको सामने टाइप करके दिखाता हूँ, जेट मैंने दो बार लिख दिया, तीन बार लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं चौथी बार भी लिख रहा हूँ जेट जेट, भाई जेट के दुकान लगा दी यहाँ पर पूरी मैंने। अब देखना कितने सारे जेट आएंगे अभी आसमान में, दिख रहा है या नहीं। ओके देखो एक दो, दो तो सामने ही दिख रहे हैं बिल्कुल, एक तीसरा वो जा रहा है वहाँ पर, और चौथा, चारों के चार आ चुके हैं भाई, चारों हवा में उड़ रहे हैं। और अगर आपके पास आने पर इन पर फायर करते हो ना तो ये नीचे जाके गिर भी जाते हैं। ओके ये डैमेज हुआ और वो नीचे जाके गिर गया, दिखा नहीं यार, कहीं तो ब्लास्ट हो गया जाके। अब गाइस आगे बढ़ने से पहले काफ़ी लोग मुझे पिछली वीडियोस की कमेंट में पूछ रहे थे, भाई अभी हम यहाँ पर स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज या फिर जॉब कर रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ऐसा अर्निंग सोर्स बताओ जिसमें हम अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग कर पाएं। तो गाइस आपके लिए काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे एक बहुत ही खतरनाक इंडियन गेमिंग कंपनी मिली है जो कि MGA और ITEC लैब जैसी ट्रस्टेड सोर्स से वेरीफाइड है। और जैसे आप इसमें साइन अप करोगे तो गाइस इंस्टेंटली आपको 500 रुपीज़ मिल जाएंगे। और गाइस इसके अंदर एक गेम है जिसका नाम है माइनिंग, इसके अंदर क्लिक करने पर डायमंड और बॉम्ब निकलते हैं, तो अगर आप इसमें से जितने ज़्यादा डायमंड निकालोगे उतने आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे 500 लगाते हो तो उसके बदले आपको 1000 मिल सकते हैं, जैसे कि ये देखो मुझे 422 रुपए मिले। चलो गाइस अब टोटल अमाउंट को विड्रॉ करते हैं, ये देखो गाइस इंस्टेंटली 900 रुपए मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। अब जैसे कि गाइस आपने देखा भाई इतने कम टाइम में इतने पैसे अपन को मिल चुके हैं, तो भाई आप अपना आधा घंटा लगा के यहाँ पर 4 से 5 हजार रुपए भी कमा सकते हो। वेबसाइट और ऐप का लिंक पिंड कमेंट में जाकर डाउनलोड करो। तो सबसे पहले गाइस डायनासोरस के सीक्रेट चीट कोड आते हैं और काफी लोगों को ये सीक्रेट चीट कोड पता ही नहीं है। तो गाइस आपको डायलर में जाना है और यहाँ पर डायल करना है 50। तो यहाँ पर एक वेलोसीरैप्टर आएगा, लेकिन ये आपका पैट नहीं है गाइस, ये इधर उधर अपने आप ही घूमता रहेगा। लेकिन अगर आप आरजे स्टोर में इसका सीक्रेट चीट कोड डालते हो ना तो बहुत ही कमाल की चीजें करके दिखाता है। वो चीजें क्या है गाइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप 51 डायल करते हो तो यहाँ पर जो टीरेक्स डायनासोर जो कि हमें जुरासिक पार्क के अंदर देखने को मिलता था, अब आप इसको स्पॉन कर सकते हो मोबाइल से। तो 51 डायल करने पे ये आएगा। उसके बाद अगर आप 52 डायल करते हो ना तो गाइस आपको एक और न्यू डायनासोर जिसका नाम है स्पाइनोसोरस, वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि यार काफी ज्यादा खतरनाक डायनासोर है, आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 53 डायल करते हो ना तो एक और डायनासोर आएगा जो कि है ब्रैकियोसोरस, और ये अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा डायनासोर है। पूरे इंडियन बाइक गेम के अंदर इससे बड़ा एनिमल अभी तक एड नहीं हुआ है गाइस, ये सबसे बड़ा डायनासोर है। और आरजे स्टूल का सबसे पहला चीट कोड बहुत खतरनाक है, तो आपको आरजे स्टूल में जाना और यहाँ पर टाइप करना है AIM, एम, इसका मतलब होता है एम। तो यहाँ पर टारगेट मोड ऑन हो जाएगा और इसकी मदद से आप क्या नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस आपको डायलर में जाना है फिर से और यहाँ पर 1 2 3 4 5 डायल करना ताकि आसपास थोड़े से NPC स्पॉन हो जाए, ठीक है, ये वाले चीट कोड से। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं बताता हूँ वेलोसीरैप्टर का, ठीक है। तो 50 डायल करोगे यहाँ पर आएगा वेलोसीरैप्टर। अब देखना इसका कमाल, सामने एक NPC जा रहा है, जैसे ही मैं उसके ऊपर यहाँ पर एक गोली फायर करूंगा ये भाई वेलोसीरैप्टर भागता हुआ जाएगा और उसको मार देगा, 2-3 शॉट लगेंगे शायद, देखो मार दिया उसको। तो यहाँ पर जितने भी मैं डायनासोर अब स्पॉन करूंगा ना वो सारे NPC को मारने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से डायल करता हूँ 51, तो अपना टीरेक्स आ चुका है। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर एम करता हूँ, ये देखो भाई टीरेक्स भी इसको मारने लग गया। तो यहाँ पर 2 NPC मैंने मार दिया, एक वहाँ पर जा रहा है उसको भी पेलते हैं, रुको अबे रुक जा यार थोड़ा सा। ये देखो गाइस यहाँ पर जैसे ही एम लोग करते हैं भाई डायनासोर वहाँ पे भाग के जाता है और भाई NPC को किल कर देता है। इसमें गाइस काफी सारी सीक्रेट चीजें भी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस अब देखना यहाँ पर मैं 52 से यहाँ पर स्पाइनोसोरस को बुला लिया, ठीक है, ये स्पाइनोसोरस काफी ज्यादा खतरनाक है। अब सामने यहाँ पर 2 NPC उनके ऊपर एम करके मारा, देखो यहाँ पर भागता हुआ जाएगा और एक NPC को मारेगा पहले, और इसमें से एक तो मर गई और इसके ऊपर भी एम करते हैं आराम से, इतना दूर से लगता नहीं है भाई, लग जा, देखो गाइस उसको भी मारने लग गया वो।
तो भाई ये तीन डायनासोर ऐसे हैं जो कि अटैक करने पर भागते हुए जाते हैं और एनपीसी को मारने लग जाते हैं। अब गाइस एक मैजिक दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखो टीरेक्स के ऊपर मैंने एम करा, अब ये स्पाइनोसोरस टीरेक्स को मारने आ रहा है। अभी देखना गाइस घमासान युद्ध होने वाला है यहाँ पे, और टीरेक्स और ये आपस, बस टीरेक्स फाइट नहीं करेगा, बस यहाँ पर इसको मारता रहेगा स्पाइनोसोरस, और इसको ख़त्म कर दिया बेचारे को। अब यहाँ पर वेलोसिरेप्टर को भी मरवा देते हैं, और भाई वो तो दो शॉट में मर गया। और इतना ही नहीं गाइस, ये खुद को भी मार सकता है, ये देखो इसके ऊपर मैंने एम करा और ये खुद को ही मार के खुद ही मर गया। ऑलराइट गाइस, अब आते हैं अपने पालतू जानवर जो कि हमें फॉलो करते हैं, हम उनके ऊपर बैठ भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 5050 डायल करते हो ना तो वेलोसिरेप्टर आएगा, लेकिन ये वाला जो वेलोसिरेप्टर है ना पहले वाले से अलग है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर आप 200 डायल करते हो ना डायलर में, तो यहाँ पर आपको एक घोड़ा देखने को मिलेगा, और 600 डायल करते हो तो आपको एक कुत्ता भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें वेलोसिरेप्टर में खास बात यह है कि इसके ऊपर आप बैठ सकते हो, इसके अलावा आप एनपीसी को इससे कटवा भी सकते हो और एनपीसी मर भी जाता है। खैर गाइस, ये काफी पुराना अपडेट है, काफी लोगों को पता होगा, लेकिन इस अपडेट के अंदर एक बहुत ही खतरनाक चेंजेस हुआ था। अगर आप डॉग के पास जाते हो ना, ऑलराइट यहाँ पे बैठने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ओके इस साइड से आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप डॉग के ऊपर बैठ सकते हो। पहले आप है ना डॉग के ऊपर नहीं बैठ सकते थे, लेकिन अब फाइनली न्यू अपडेट के बाद इसके ऊपर आप बैठ सकते हो। इतना ही नहीं गाइस, आप किसी एनपीसी को कटवा भी सकते हो। जैसे कि ये देखो यहाँ पर ये एनपीसी खुला घूम रहा है, और यहाँ पर डॉग ने एक बाइट दो बाइट में यहाँ पर एनपीसी को खत्म कर दिया। पहले सिर्फ डॉग आपको फॉलो करता था, लेकिन अब भाई आप इसके ऊपर बैठ भी सकते हो। अब आती है गाइस सीक्रेट कार्स के चीट कोड। तो सबसे पहले गाइस एक न्यू थार ऐड हुई थी, आप सभी को पता होगा, उसका चीट कोड है 9191। ये डायल करोगे भाई न्यू वाली थार आ जाएगी। इसके बाद पुरानी वाली थार के लिए आपको 9090 डायल करना है, ये पुरानी वाली थार भी जो कि मॉडिफाइड रहती है ये भी आ जाएगी। उसके बाद अगर आप डायल करते हो 3880 तो यहाँ पर हमर कार आएगी जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल कार है। और गाइस ये वाली कार में आप है ना पीछे की साइड में सामान भी लोड कर सकते हो। अब बात करते हैं देसी गाड़ी की जो कि ये बोलेरो, उसका चीट कोड है 3100। उसके बाद गाइस 2244 डायल करते हो तो सुपर आएगी जो कि मेरी तो फेवरेट कार है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 8123 डायल करते हो तो मस्टैंग आएगी। उसके बाद 8811 डायल करते हो तो फरारी आने वाली है। और गाइस अभी तो बस देखते जाओ, उसके बाद अगर आप डायल करते हो ना 2020 तो आपके सामने आएगी एंडेवर, और भाई अभी तो अंबार लगने वाले हैं गाड़ियों के। उसके बाद गाइस अगर आप डायल करते हो 1001 तो यहाँ पर आपके सामने आएगी लेजेंडर, और अगर आप डायल करते हो 1000 तो फॉर्चूनर भी आ जाएगी। उसके बाद 6666 डायल करते हो ना तो भाई रेंज रोवर आएगी जो कि आती पता नहीं बार बार उछलती है। और अगर आप 300 डायल करोगे तो टार्जन द वंडर कार आने वाली है। और उसके बाद अगर आप 4000 डायल करते हो ना तो ओल्ड वाली पोर्शे आएगी। 333 डायल करोगे तो यहाँ पर स्कॉर्पियो क्लासिक आएगी। 444 डायल करते हो तो स्कॉर्पियो S11 आ जाएगी। अब थोड़ी महंगी गाड़ियों की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर 2000 डायल करते हो तो भाई आपके सामने आएगी रोल्स रॉयस। उसके बाद अगर आप 800 डायल करते हो तो आपके सामने आएगी बुगाटी वर्जन 2। उसके बाद 900 डायल करते हो तो आएगी सुपर कार कॉनिक सैग। उसके बाद अगर आप 500 डायल करते हो तो भाई ओडी आने वाली है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 3333 डायल करते हो तो यहाँ पर लैम्बोर्गिनी वर्जन 1 आएगी। 700 डायल करते हो भाई लैम्बोर्गिनी वर्जन 2 आ जाएगी। इसके बाद गाइज अब आती है इमरजेंसी व्हीकल्स। तो गाइज अगर आप मोबाइल में डायल करते हो 100 तो गाइज पुलिस कार आने वाली है। और गाइज पुलिस कार में अपडेट ये हुआ कि आप इसको स्पॉन करते हो तो सायरन नहीं बजेगा। उसके बाद अगर आप 101 डायल करोगे तो एक और पुलिस कार आएगी। दो पुलिस कार है टोटल गेम के अंदर। और ये रही गाइज अपनी सारी की सारी सुपर कार्स, इंडियन कार्स एंड जितनी भी कार्स मैंने यहाँ पर स्पॉन करी है। ये देखो यहाँ पर टार्जन, रेंज रोवर, एंडेवर, फॉर्चूनर, लेजेंडर, भाई साहब फरारी वगैरह सब कुछ ऐड कर दी यहाँ पर। और सबसे फेवरेट गाइज दोनों के दोनों थार भी अपनी आ चुकी है। तो ये थे सारी कार्स के चीट कोड। अब आते हैं गाइज हैवी व्हीकल्स के चीट कोड जो कि यार एकदम भारी भारी होते हैं ना। तो सबसे पहले गाइज आती है जेसीबी। अगर आप 6677 डायल करोगे तो जेसीबी आ जाएगी। उसके बाद अगर आप डायल करते हो ना 4040 ठीक है तो टैंक आएगा जो कि कितना ज़्यादा हैवी होता है आप सभी को पता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 1212 डायल करते हो तो एक ट्रक आएगा, लेकिन इसका ट्रेलर नहीं आएगा साथ में। लेकिन अगर आप 01212 डायल करोगे ना तो ट्रक के साथ में भाई ट्रेलर भी आने वाला है। ये देखो कितना ज्यादा बड़ा ट्रक हो गया। उसके बाद अगर आप 606 डायल करोगे तो फायर ट्रक भी आ जाएगा। तो ये थे गाइस 4-5 हैवी व्हीकल्स लाइक फायर ट्रक, ट्रेलर विद ट्रक और यहाँ पर टैंक और जेसीबी, ये सबसे ज्यादा हैवी व्हीकल्स हैं। अब आते हैं गाइस मॉन्स्टर ट्रक। अब यार मॉन्स्टर ट्रक को स्विमिंग पूल में इसलिए स्पॉन कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे जंप नहीं करते हैं। तो अगर आप 0300 डायल करते हो तो यहाँ पर टार्जन मॉन्स्टर ट्रक आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा वाला मॉन्स्टर ट्रक भाई यहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा आगे बस, ओके। तो अब आपको डायल करना है 01000, ठीक है। ये आप डायल करोगे तो यहाँ पर लेजेंडर मॉन्स्टर ट्रक आएगा, ये थोड़ा सा जंप करा है, बाकी नहीं करते हैं गाइस। उसके बाद अगर आप यहाँ पर डायल करते हो 0900
तो कोनिक सेक वाला मॉन्स्टर ट्रक भी आ जाएगा। यहाँ पर टोटल कितने मॉन्स्टर ट्रक है आज आपको पता भी चल जाएगा, तो देखते रहो गाइस। उसके बाद अब यहाँ पर स्पॉन करना पड़ेगा थोड़ा सा दूर। ओके चलो यहाँ पर स्पॉन करते हैं। 0700 डायल करते हो तो भाई लैम्बोर्गिनी आएगी, लैम्बोर्गिनी वाला मॉन्स्टर ट्रक आएगा। और लैम्बोर्गिनी का जो वर्जन 2 है ना उसको भी आप स्पॉन कर सकते हो, उसके लिए आपको 0333 डायल करना होगा तो वो भी आ जाएगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा बताता हूँ आपको। 09090 डायल करोगे तो थार वाला मॉन्स्टर ट्रक आएगा, ठीक है, ये थार भी आ गई आपकी। उसके बाद अब आते हैं लास्ट 2 मॉन्स्टर ट्रक, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 0100 डायल करते हो ना तो पुलिस कार वाला मॉन्स्टर ट्रक भी आ जाएगा। अब एक लास्ट मॉन्स्टर ट्रक बचा है, अगर आप यहाँ पर 0101 डायल करते हो ना तो एक और पुलिस कार वाला जो मॉन्स्टर ट्रक है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर एक मुझसे छूट गया है जो कि 0333 वाला, बाकी सारे मॉन्स्टर ट्रक आप देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे, टोटल 8 मॉन्स्टर ट्रक आई थिंक होते हैं। तो गाइज अब बारी यहाँ पर फ्लाइंग व्हीकल की, अभी तो देखते जाओ कितना मजा आने वाला है। तो गाइज अगर आप 555 डायल करते हो ना तो यहाँ पर एक प्लेन स्पॉन हो जाएगा येलो कलर का, जो कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर भी देखने को मिलता है, सभी को पता होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर डायल करते हो 8000 डायल करते हो तो हेलीकॉप्टर आ जाएगा जो कि न्यू है एकदम। और अभी तो यहाँ पर 2 फ्लाइंग व्हीकल्स और है, अगर आप यहाँ पर 320 डायल करते हो तो यहाँ पर GTA 5 वाला जेट पैक आ जाएगा। इसके अलावा गाइज अगर आप 330 डायल करते हो ना तो GTA सन एंड्रियास वाला जेट पैक भी आ जाएगा। अब मैं आपको सारे बारी बारी करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये मिनी जेटपैक हो गया, उसके बाद ये है गाइज GTA 5 वाला जेटपैक, और इसके बगल में है गाइज हेलीकॉप्टर और सबसे लास्ट में प्लेन। तो सारे फ्लाइंग व्हीकल के चीट कोड मैंने आपको बता दिए। पारी है गाइस बाइक्स की, और सारी की सारी बाइक्स बताने वाला हूँ, स्पेशल व्हीकल्स भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप 9000 डायल करते हो ना तो गाइस आपकी देसी गाड़ी जो कि है स्प्लेंडर वो आ जाएगी। उसके बाद अगर आप डायल करते हो 6021 तो गाइस सुपर स्प्लेंडर भी आ जाएगी, मतलब कि दोनों देसी बाइक आ चुकी है अपने। इसके बाद अगर आप 999 डायल करते हो ना तो यामाहा वीमैक्स आ जाएगी। 888 डायल करते हो तो भाई यामाहा मतलब वो FZ10 आ जाएगी। उसके बाद अगर आप 0015 डायल करते हो ना तो भाई यहाँ पर आएगी R15। उसके बाद गाइस अगर आप 4215 करते हो तो गाइस ड्यूक आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप यहां पर डायल करते हो 7777 तो यहां पर ड्यूक 200 भी आ जाएगी। उसके बाद अगर आप यहां पर 8888 डायल करते हो ना तो भाई ड्यूक 1290 भी आ जाएगी। 5000 डायल करने पर यहां पर पल्सर RS 200 आ जाएगी, और 1211 डायल करने पर यहां पर पल्सर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप 1210 डायल करते हो ना तो भाई यहाँ पर KTM आ जाएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 1190 डायल करते हो तो यहाँ पर KTM 1190 भी आ जाएगी, सारी KTM पल्सर वगैरह सब दिखा देगा इस। 4050 डायल करते हो तो यहाँ पर अपाची आने वाली है। उसके बाद 777 डायल करोगे तो डुकाटी आएगी, ठीक है, डुकाटी डेवल। 666 डायल करोगे तो यहाँ पर बनेली TNT आ जाएगी। उसके बाद गाइज अगर आप यहाँ पर 400 डायल करते हो तो ZX10R आने वाली, जो कि मेरी फेवरेट बाइक है, इसको चलाता हूँ मैं। 3000 डायल करते हो तो यहाँ पर नींजा H2R आएगी जो कि आपकी फेवरेट है। 7000 डायल करते हो तो हायाबुसा आ जाएगी। 999 डायल करते हो तो बुलेट आ जाएगी। तो ये थी नॉर्मल व्हीकल्स, मतलब नॉर्मल सारी की सारी बाइक्स मैंने आपको दिखा दी है, जिसमें सुपर बाइक्स भी है। लेकिन अब बारी है गाइस स्पेशल बाइक्स की। पहले आप ये सारी बाइक्स को देख लो जो कि नॉर्मल बाइक्स है, पल्सर हो गई वगैरह सारी बता दिए गाइस मैंने सारी की सारी। अब बताते गाइस स्पेशल बाइक्स। तो गाइस सबसे पहले गाइस आती है यहाँ पर बाइसाइकिल, तो उसके लिए आपको डायल करना है 1111 तो यहाँ पर एक साइकिल आ जाएगी, ठीक है, ये स्पेशल व्हीकल है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 0000 डायल करते हो तो यहाँ पर आपको हीरो प्लेजर भी देखने को मिल जाएगी जो कि स्कूटी है। उसके बाद अगर आप 4444 डायल करते हो तो यहाँ पर आएगी कोबरा बाइक, कितनी यूनिक बाइक है ना ये। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 6000 डायल करते हो तो आपको ट्रोन बाइक देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी खतरनाक लगती है। अब गाइस सबसे भारी व्हीकल जो कि है 5555 से आती है घोस्ट बाइक, इसमें तो आग ही लगती है भाई साहब। और सबसे लास्ट स्पेशल व्हीकल है 2222 डायल करोगे तो यहाँ पर ATV बाइक आ जाएगी जो कि फोर व्हीलर बाइक है। तो ये रही गाइस सारी की सारी स्पेशल बाइक्स। तो गाइस अभी तक गाड़ियों के जितने भी चीट कोड थे ना वो सारे मैंने आपको बता दिए, लेकिन काफी सारी चीजें अभी बाकी पड़ी है, लाइक RGS टूल वगैरह, प्लेयर के चीट कोड, सब कुछ बताता हूँ गाइस एक एक करके। तो गाइस अब आते हैं NPC एंड ऑब्जेक्ट के चीट कोड। तो सबसे पहले गाइस ऑब्जेक्ट के चीट कोड बताता हूँ। तो अगर आप ओनली 0 डायल करते हो ना तो आपको यहाँ पर गैस टैंक देखने को मिलेंगे, और गैस टैंक भाई साहब एक के ऊपर एक आते हैं। उसके बाद अगर आप 00 डायल करते हो तो आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा जो कि सिंगल स्पॉन होता है। अब बात करते हैं गाइस NPC की चीट कोड की, ठीक है। तो नॉर्मली आपको देखो यहाँ पर कुछ NPC दिख रहे होंगे, 1 2 3 NPC आपको टोटल दिख रहे होंगे पूरे गेम के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीट कोड डायल करते हो ना 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर टोटल 6 NPC स्पॉन हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक वहाँ हो गया, एक यहाँ पर है और एक सामने, 3 NPC और स्पॉन हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर गाड़ियाँ देखो, अभी आपको सिर्फ 2 ही देखने को मिल रही होगी, सिर्फ 2 गाड़ियाँ देखने को मिल रही होगी, तो इनको भी आप इंक्रीज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या चीट कोड डायल करना है,
आपको उल्टा चीट कोड लाइक यहाँ पर 54321 ये चीट कोड आप डायल करोगे तो यहाँ पर गाड़ियाँ भी दुगनी हो जाएगी, यानी कि चार गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। देखो एक वहाँ पर है, एक वहाँ पर है और एक वो रही और एक ये ग्रीन वाली लैम्बोर्गिनी, यहाँ पर टोटल चार गाड़ियाँ हो चुकी है। अब गाइस यहाँ पर एनपीसी का एक लास्ट चीट कोड है जो कि ये ज़ॉम्बी वाला चीट कोड, तो उसके लिए आपको क्या डायल करना है यहाँ पर 2030। जैसे ही आप ये डायल करोगे ना तो गाइस आपके आसपास जितने भी एनपीसी स्पॉन हो रहे थे ना वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगेंगे। ये देखो भाई साहब मुझे ज़ॉम्बी सब मारने आ चुके हैं, तो गाइज आप इनको इतनी आसानी से मार नहीं सकते भाई, आपको गन निकालनी पड़ती है। और गाइज अगर आप यहाँ पर ये ज़ॉम्बीज को हटाना चाहते हो तो गाइज आपको वापस से 2030 चीट को डायल करना है, ज़ॉम्बी हट जाएंगे, बट उससे काफ़ी मुश्किल होती है, इसलिए इससे बढ़िया कि गाइज आप गेम को बैक ही कर दो, यहाँ पर ये मोड ही खत्म हो जाएगा। ऑलराइट गाइज अब आते हैं अपने प्लेयर के चीट कोड, मतलब कि अपना जो कैरेक्टर है नहीं वो क्या क्या कर सकता है ये आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइज इनफाइनाइट हेल्थ, अगर आप यहाँ पर 9129 डायल करते हो तो भाई आपके कैरेक्टर की जो हेल्थ है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। लाइक मैं आपको यहाँ पर डैमेज करने की कोशिश करता हूँ, ये देखो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो रहा अपने कैरेक्टर को, ठीक है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट हेल्थ अपनी लग चुकी है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड प्लेयर के चीट कोड की, तो आपको जाना है फिर से डायलर में और यहाँ पर आपको डायल करना है 1215। जैसे आप ये चीट कोड डायल करोगे तो आपका कैरेक्टर जो है ना डबल जंप लेने वाला है, मतलब कि लॉन्ग जंप लेगा और इससे भी हाई जंप आप ले सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे चीट कोड है। लेकिन उससे पहले ये वाली जंप को अगर आप डिसेबल करना चाहते हो वापस से तो आपको फिर से डायलर में जाना है और यहाँ पर आपको फिर से डायल करना है 1215। तो जो लॉन्ग जंप यहाँ पर आपने लगाई थी ना वो डिसेबल हो जाएगी। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा लॉन्ग जंप, ठीक है, अल्ट्रा जंप का जो चीट कोड है ना वो है गाइस 1216। ये आप डायल करते हो ना तो भाई बहुत ही ज्यादा लंबी जंप लेने वाला आपका कैरेक्टर, इतनी ज्यादा लंबी जंप लेगा कि भाई नीचे गिरने में भी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, इवन यहाँ पर पुलिस स्टेशन से बाहर आ चुके हम। और अगर ये वाले चीट कोड को भी डिसेबल करना है तो आपको यहाँ पर 1216 वापस से डायल करना है, ये वाला चीट कोड भी डिसेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ चीट कोड की, तो वो है स्काईफॉल। अगर आप 1120 डायल करते हो ना तो आपका कैरेक्टर आसमान से जमीन पे गिरने लगेगा, मतलब कि स्काई फॉल करने लगेगा और ये इतना ज्यादा ऊपर से गिरता है ना भाई, इसको गिरने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीट कोड है। अब गाइस बात करते हैं पांचवे चीट कोड की, अगर आप यहाँ पर 1112 डायल करते हो ना तो आपका कैरेक्टर स्लो मोशन लेवल 1 हो जाएगा। ये देखो थोड़ा सा स्लो मोशन हो गया ना, उसके बाद अगर आप फिर से यही चीट कोड डायल करते हो तो यहाँ पर लेवल 2 का स्लो मोशन लग जाएगा, और इसके बाद भी अगर आप यहाँ पर चीट कोड डायल करते हो ना 1112 का तो यहाँ पर लेवल 3 का स्लो मोशन लग जाएगा। और अगर आपको डिसेबल करना है तो एक बार फिर से डायल करना होगा 1112, थोड़ा टाइम लगेगा यहां पर ये चीट कोड एक्टिवेट होने में, जैसे ही एक्टिवेट होगा यहां पर आपका स्लो मोशन हट जाएगा। तो यहां पर ये था फिफ्थ वाला प्लेयर का चीट कोड। उसके बाद अब यहां पर मून ग्रेविटी का चीट कोड बताता हूं आपको, तो उसके लिए गाइस आपको डायल करना होगा 7112। जैसे ही आप डायल करोगे तो यहां पर मून ग्रेविटी एक्टिवेट हो जाएगी जिससे आप गाड़ियां वगैरह भी उड़ा सकते हो। इसके अलावा गाइस अगर आप वापस से इसी चीट कोड को डायल करते हो 7112 तो यहाँ पर मून ग्रेविटी डिसेबल हो जाएगी। अब एक लास्ट प्लेयर का चीट कोड बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर 0000 पांच बार 0 डायल करते हो तो आपका जो प्लेयर है ना सुसाइड कर लेगा। तो गाइस ये सबसे ज्यादा सीक्रेट चीट कोड है जो कि काफी कम लोगों को पता है, भाई ये अपने आप ही सुसाइड कर ले।